अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर B की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर B। मैंने पार्ट नंबर B की स्टेटमेंट भी और ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी नीचे ड्रॉ कर लिए हैं, हम इसको वहीं से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर B की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है और ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी नजर आ रही हैं जो कि ट्राइंगल हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल STU, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पहला वाला ट्राइंगल जिसका नाम DEF है, ये इस वाले ट्राइंगल के जिसका नाम STU है, इसके सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर का कंसेप्ट मैं पहले भी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी दो ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप सिमिलर कब कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि हमें ये सवाल समझने में आसानी हो कि हमारे जो हमारे पास इस बुक के अंदर भी चीज़ें मेंशन है, इसको आप थ्योरम कह लें या इसको स्टेटमेंट कह लें, इस तरह की हम स्टेटमेंट प्रूव भी कर सकते हैं कि दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं। पॉलीगॉन्स का मतलब जो सबसे सिंपल पॉलीगॉन हमारे पास होता है वो ट्राइंगल होता है, इससे ऊपर आप रेक्टेंगल भी कह लें, वो भी एक पॉलीगॉन होता है, स्क्वेयर भी पॉलीगॉन होता है। तो दो पॉलीगॉन्स या दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स तब सिमिलर होती हैं जब उनमें दो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएँ। पहली करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको मैं पढ़ रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग COR, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या हों, वो इक्वल आए, वो एक जैसे हों, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोस, ठीक है, ऑफ साइड्स, अगर हम साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोस निकालें तो वो भी क्या आए, वो भी आए इक्वल, वो भी सेम आए, इक्वल आए, ठीक है। अगर आपको किसी भी दो ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर ये दो करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं तो इसका मतलब है वो दोनों ज्योमेट्रिकल शेप सिमिलर हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलते तो वो सिमिलर नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर B में जो दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इसमें साइड्स गिवन है, एंगल्स की डिस्कशन नहीं हो रही। तो पार्ट नंबर A के अंदर एंगल गिवन थे, साइड्स की डिस्कशन नहीं थी। तो इसका मतलब है आपको जो चीज़ गिवन है आपने उसी के लिहाज से उनको जस्टिफाई करना है कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको साइड्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, जैसे 3.3 लिखी हुई है, 5.7, इधर भी 2.4, 3.8 और 3.6 लिखी हुई साइड्स हैं। तो इसका मतलब है आपने स्टेप नंबर 2 वेरीफाई करके दिखाना है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हम जो बनाएंगे वो इक्वल आ जाती हैं तो ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल नहीं आती तो ये सिमिलर नहीं है। तो मैं पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के यहां पे नेम लिख लेता हूं कि पहले ट्राइंगल का नेम है DEF ताकि आपको समझाना आसान हो, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरे ट्राइंगल का नाम है STU। अब आपने ये समझना है कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जैसे अगर आप यहाँ से D को पिक करते हैं, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो उधर से जो चीज़ फर्स्ट में लिखी हुई है उसी को पिक करें, यानी आप S को पिक करेंगे। अगर आप यहाँ से E को पिक करते हैं तो उधर से भी जो सेकंड पे लिखा हुआ है, सेकंड प्लेस पे T, उसको पिक करें। तो ये जो मैं पिक करने की बात कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे अगर आपने यहाँ से फर्स्ट पिक किया तो वहाँ से पिक किया, एक तरह का D वर्टस जो है, वर्टस का मतलब कॉर्नर भी आप ले सकते हैं अभी समझने के लिए, कि D वर्टस का कॉरस्पॉन्डिंग बनता है S, E का बनता है T, और इसी तरीके से F का बनेगा U। इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस या कॉरस्पॉन्डिंग होना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकालनी है, और किसकी निकालनी है, साइड्स की। तो आप यहाँ पहली वाली ट्राइंगल से स्टार्ट करें तो सबसे आसान पैटर्न ये होता है कि जब आपने साइड्स की रेशियो निकालनी होती है कि जो पहला ट्राइंगल है उसकी पहली ही साइड पिक कर लें। पहली साइड का मतलब जैसे वो DEF लिखा हुआ है तो यहाँ से आप DE पिक कर लें, यानी मैं लिखूंगा DE और रेशियो निकालनी है तो उसको मैं नीचे लिखूंगा डिवाइडेड बाय। अब दूसरे ट्राइंगल पे जाना है, यहाँ से आपने फर्स्ट टू पिक किए हैं लेटर्स तो वहाँ से भी फर्स्ट टू पिक करें, वही उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ST तो वहाँ पे आप लिख देंगे ST। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज, ठीक है। अभी ये और भी आएंगी, ये भी एक है, सारी मिलके वो सारी की सारी इसकी रेशियोज कहलाएंगी। तो देखिए DE यहाँ से ये वाली साइड थी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुई, ST। तो अब हम इनकी यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो DE किसके इक्वल है, वो है 3.3 के, आप यहाँ पे लिख लें 3.3 डिवाइडेड बाय। ST किसके इक्वल है, वो यहाँ पे लिखी हुई है 2.4 के। अब आपने इनको डिवाइड करना है, मैं यहाँ पे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूँ मैनुअल डिवाइड करने के हवाले से, उसके बाद दूसरे बाकी जो है वो मैं डायरेक्ट करूँगा, वो आप समझ जाएंगे ताकि टाइम हमारा बचे। तो 3.3 डिवाइडेड बाय 2.4 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 3.3
डिवाइड हो रहा है, मैं लाइन की जगह पर डिवीजन सिंबल यूज कर रहा हूँ 2.4 से आपको समझाने के लिए। तो डेसिमल अगर आप यहाँ से रिमूव करें, आपको पता है यहाँ 33 बन जाएगा। और डेसिमल रिमूव करने का मतलब होता है जो डिजिट आगे लिखा हुआ है, अगर एक लिखा हुआ है तो नीचे 10 लिख दें, दो लिखे हुए तो 100 लिख दें, तीन लिखे हुए तो 1000 लिख दें, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी 2.4 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिख दें। और इसके बाद आप क्या करें, इन डिवाइड को करें मल्टीप्लाई में चेंज। तो देखें डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो अगली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। तो देखें 10 10 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 33 और नीचे बचा 24। इस तरह लिख लेने से आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, डिवीजन करनी आसान रहेगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ। तो 24 और यहाँ पे आ जाएगा 33। तो 24 वन टाइम्स आपको करना पड़ेगा 24, क्योंकि आपको पता है 24 टू टाइम्स करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो 33 से बड़ी आ जाएगी। अब आपने 33 में से क्या माइनस करना है, 24 माइनस करना है। तो 33 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 9। और अब यहाँ पे ये नंबर 24 से छोटा हो गया, आपको डिवीजन आती है, तो इसका मतलब है अब और कोई नंबर भी नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगा लें और यहाँ पे एक जीरो उतार लें और इस जीरो को नीचे उतारें, तो ये बन जाएगा एक तरह का 90। अब आपने 24 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या है, 90 के पास पास आए। तो 24 को आपको करना पड़ेगा 3 टाइम्स, क्योंकि अगर 24 को 4 टाइम्स करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 24 3 टाइम्स कितनी होती है, वो होती है 72। तो ये हो जाएगा 124 3 टाइम्स 72। अब 90 में से आपने क्या माइनस कर देना है, 72 माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 18। तो ये अभी भी चलता रहेगा, आप यहाँ पे एक और जीरो उतारेंगे और यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा और फिर ये फर्दर वैल्यू आगे जाएगी, लेकिन इतना पता चल गया कि 1.3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊपर कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है 1.3 इन दोनों को डिवाइड करके। और मैं कैलकुलेटर में आपको इसकी मोर प्रिसाइज वैल्यू भी सामने ही बता देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर में 3.3 को डिवाइड करें, क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट लिखा है टाइम बचाने के लिए, तो देखिए आ रहा है 1.375। तो मैं यहाँ पे आपको 75 पे लिख देता हूँ। तो मैंने जस्ट 1.3 तक कर लिया था, वो भी काफ़ी है, आप इससे ज़्यादा कर लेंगे, जितना ज़्यादा डिवीजन डेसिमल के बाद वैल्यूज लिखेंगे उतनी वैल्यू एक्यूरेट हो जाएगी, उतनी प्रोसीजन बढ़ जाएगी। तो ये मैंने एक रेशियो आपको निकाल कर दिखा दी। अब बाकी रेशियोज पे क्या करना है, जिस तरह आपने ऐसे डी ई पिक किया था और वहाँ से एस टी पिक किया था, अब कोई और पिक करें, कोई और साइड, ये वाली साइड पिक कर ली है, अब हम बात करते हैं इस वाली साइड की, ई एफ, जो कि उसकी अगली लिखी हुई है ई एफ। तो वहाँ से भी आप नेक्स्ट टू लेटर्स ही पिक करेंगे, यानी टी यू। तो आप लिखेंगे ई एफ डिवाइडेड बाय टी यू। तो ई एफ की वैल्यू आप देख सकते हैं, आप पहले ट्राइंगल में 5.7 है, 5.7 डिवाइडेड बाय, और टी यू की वैल्यू कितनी है, वो है 3.8। तो याद रखिएगा, मैं एक एक ट्राइंगल से लेता हूँ और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल से लेता हूँ, आपने यही लिखना है। अब मैं यहाँ पे डिवीजन नहीं करके दिखा रहा, आपको जस्ट डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको पहले वाले सवाल में ताकि आपके लिए आसानी रहे, बाकी खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये आ रही है 1.5। ये दो साइड्स होगी, एक साइड रहेगी, कौन सी साइड रहेगी, ये वाली, जिसको आप पढ़ेंगे एफ डी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एफ डी, या आप इसको ऐसे पढ़ लें शुरू से डी एफ, क्योंकि डी से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो डी एफ पढ़ लेंगे ज़्यादा बेहतर है, एफ डी भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी एफ का मतलब है फर्स्ट और लास्ट, तो वहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट, यानी एस और यू। तो आप लिखेंगे डी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है एस यू। तो डी एफ की वैल्यू कितनी है, वो है 5.4, आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो 5.4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय एस यू की वैल्यू कितनी बनती है, वो यहाँ पे रेड के साथ लिखी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। अब आप इसको भी डिवाइड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 5.4 डिवाइडेड बाय 3.6। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वैल्यू भी 1.5 आ रही है। अब देखते हैं कि सारी जो पॉसिबल रेशियोज थी खत्म हो गई, डी ई की कॉरस्पॉन्डिंग भी देख ली रेशियो, और ई एफ की कॉरस्पॉन्डिंग भी देख ली, डी एफ की भी देख ली, सारी खत्म होगी, तीन ही बनती थी। अब ये अगर इक्वल आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको रूल समझाया था कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर इक्वल आ जाएं साइड्स की तो सिमिलर होगा ट्राइंगल, अगर नहीं आएंगी तो इक्वल, अगर नहीं आएंगी इक्वल तो सिमिलर नहीं होगा। तो आप देखें ये इक्वल नहीं आ रही, ये दो तो इक्वल हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट वाली है वो इक्वल नहीं है, वो 1.3 समथिंग है। आप उसको राउंड ऑफ भी कर लें तो 1.4 बनेगी, 1.5 नहीं बनती। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों की तीनों इक्वल नहीं आई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जिनके बारे में ऊपर जिक्र था ये सिमिलर नहीं है। तो आप यहाँ पर इसकी कंक्लूजन लाजमी लिखेंगे, सेंस All the corresponding ratios, all the corresponding ratios are not equal, क्योंकि corresponding ratios जो हैं वो equal नहीं हैं, are not equal, वो equal नहीं हैं। तो इससे क्या पता चलता है, So
जो पहला वाला ट्राइंगल था जिसका नाम था डी ई एफ, सो डी ई एफ वो सिमिलर नहीं है, इज नॉट सिमिलर, इज नॉट सिमिलर किस ट्राइंगल के जिसके साथ हम इसको रिलेट कर रहे थे, यानी ट्राइंगल एस टी यू के, यानी ट्राइंगल एस टी यू। तो ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ये वाला सवाल कंप्लीट। मैंने आपको एक मैनुअली डिवीजन करके भी दिखा दिया वन डेसिमल प्लेस तक, ये आगे इस तरह चलती रहेगी। कैलकुलेटर से मैंने आपको जस्टिफाई भी करके बता दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी।